तो मुझे शूट करना है ना हे फ्रेंड्स वेलकम टू स्मार्ट वर्ल्ड लाइक मेरे वीडियोस एंड सब्सक्राइब माय चैनल ताकि आपको मेरी सारी वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद अन अदर व्लॉग आई होप यू ऑल ड्विंग वेल तो लाइक कर दें चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और शेयर भी कर दें तो कैसे आज की जो मेरी वीडियो है ना इसमें मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कुछ आइडियाज़ के आप कौन से जो हिजाब कलर्स हैं उनको डेली रूटीन में यूज़ कर सकते हैं तो मैंने यहाँ पे अपने एक वीक पूरी की जो रूटीन है वो आपके साथ शेयर की है सारे कलर्स के मैं कौन से डे को कौन सा कलर लेती हूँ तो मैंने एक्चुअली ना कुछ रखे हुए हैं कि इस डे को ये कलर लेना वैसे ही कोई मेरा एक साइकी है कि मैंने ये करना होता है कि अच्छा आज ये लेना है आज ये लेना तो इस लिहाज से मैंने ना पूरा एक सीक्वेंस बनाया होता है तो सबसे पहले आ, स्टार्ट करते हैं मंडे इट्स मंडे तो मंडे को मैं लेती हूँ पर्पल कलर ये एक वीक की रूटीन है और इसको भी चेंज भी करती हूँ मैं और एक जो वीक है मंडे स्टार्ट होता है मैं पर्पल कलर लेती हूँ साथ में हिजाब का और अबाया वैसे भी जो है भी मैं ब्लैक ही यूज़ करती हूँ मुझे ज़्यादा ब्लैक ही पसंद आता है तो ये कलर है ये जॉर्ज का स्टॉलर है जो कि टर्किश डिज़ाइन में है और ये बहुत ज़्यादा इन है और ये एक तो बहुत कंफर्टेबल होता है और दूसरा यह है कि ये आपको इसमें ना कोई भी गर्मी का एहसास नहीं होता और नेक्स्ट सेकंड पे स्विच करते हैं सेकंड जो हमारे पास कलर आता है वो आता है आइस ब्लू कलर अभी यहाँ पे आई थिंक सो ये कलर इस तरह आ रहा है शायद कुछ कैमरा इफेक्ट की वजह से लेकिन ये बहुत नाइस कलर है और ये मैं ट्यूसडे को मोस्टली लेती हूँ तो ये कलर मुझे बड़ा पसंद था और मैंने इसको लिया था और वैसे भी मैं जब भी बाजार जाती हूँ ना तो हमारे तिम्बल बाजार में वैसे ही से बड़े प्यारे प्यारे कलर इतनी लाइन लगी हुई होती है तो मुझे जो कलर पसंद आता है मैं बस उठा के ले आती हूँ अब तो वो जो भाई है उसको भी ये पहचान हो चुकी है कि कि ये जो बाजी आई है ना इन्होंने ज़रूर जॉर्जर्ट के जो स्टॉलर हैं वही लेने हैं वेरी फर्स्टली मुझे ना बिल्कुल भी इसका हिजाब करना नहीं था, था क्योंकि मुझे लगता था कि यार ये ना मेरे से कैरी नहीं सही हो पाएगा लेकिन मैं ग्रेस ऑफ अलमायती और मेरी फ्रेंड का बलाओ जिसने मेरी मदद की है इसको आ, सेट करने में उसने मुझे सिखाया था तो उसके बाद बारी आती है यहाँ पे वेनसडे की तो वेनस्डे को चूँकि दो तो, कलर ऑलरेडी हो चुके होते हैं डार्क तो फिर वेनस्डे को बारी आती है थोड़े से लाइट कलर की तो ये जी यहाँ पर मेरे पास जो स्टॉलर है इट इज़ वेरी 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 एलिगेंट एंड नाइस कलर ये है जी पस्टैश्यू कलर इसको मैं यूज़ करती हूँ वैनस्डे को और ये तो कॉम्बिनेशन इसका इसके साथ मेरून के साथ इतना अंत लगता ना कि आप कुछ पूछें ही ना और उसके बाद जी ट्यूजडे के वेनस्डे के बाद बारी आती है थर्सडे थर्सडे को अगेन अगेन जो है वो कलर चलता है आ, डार्क कलर तो उसमें मेरे पास ये जो है मेरून है मेरून की तो कमाल या अपनी बात है इसका तो ग्रे से ही अलग है तो ये कलर जो है वो मैं यूज़ करती हूँ थर्सडे को और वैसे ही इसकी जो एक तो ये होता है कि ये यूज़ जो डार्क कलर जो है ना ये आपके फेस को भी ना ग्लो करवाता है उसका जब रिफ्लेक्शन पड़ता है आपके फेस पे उसके बाद जब बारी आती है फ्राइडे और फ्राइडे ज़रा सटल कलर यूज़ करना होता है तो ये कलर है बहुत नाइस टीपिंग कलर है लेकिन कैमरे में न शायद ये कोई ऐसे मुझे ऐसा डब खड़बा सा रहा है तो ये वैसे होता है मेरा फ्राइडे के लिए और फ्राइडे के बाद जी बारी आती है हमारी सैटरडे की सैटरडे वीक का एंड होता है वैसे ही बंदा जो होता है उसकी इनर्जी सुपर डुपर लेवल की होती है तो इसलिए सैटरडे को फिर जो है मैं ज़रा कैमल कलर जो है यहाँ पर इसको यूज़ करती हूँ तो ये वाले जो कलर हैं वैसे ही एक तो होता है कि अच्छा जी नेक्स्ट और संडे इज़ आ तो उस लिए फिर उसलिये में ये वाला कलर जो है वो मैं यूज़ करती हूँ तो ये मेरा एक वीक का सीक्वेंस चलता है डिफरेंट कलर्स ऑफ हिजाब्स का तो ये आपको मैं वैसे भी दिखा देती हूँ मेरे पास इतने मजे मजे के कलर्स हैं कलेक्शन मेरे पास और भी हैं हिजाब्स लेकिन मैंने जस्ट एक वीक ही आपके साथ शेयर किया है तो बाकी जो है वो भी मैं इन कमिंग सून आपके साथ कलेक्शन अपने हिजाब की जो है ना वो ज़रूर शेयर करूँगी बस बैठे बैठे ना मुझे वैसे ही ख्याल आया काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी कि यार ऐसा करती हूँ मैं ना कोई ऐसी वीडियो बनाती हूँ जिसमें मैं ना कुछ अपने रूटीन से रिलेटेड कुछ शेयर करूँ तो क्लिक कर गया माइंड में कि वाई नॉट यार हिजाब हिजाब जो हैं वो कलरफुल होते हैं तो वो शेयर ज़रूर करना चाहिए क्योंकि जो भी लेडीज़ हैं वो जाती हैं और जॉबियज हैं या जो यूनिवर्सिटी में जाती हैं तो ये जो जॉर्जर्ड के स्टॉलर्स हैं ना ये हर कोई आजकल यूज़ कर रहा है इतने प्यारे लगते हैं इजी टू कैरी है और हैं और दूसरा इनमें गर्मी भी नहीं लगती और एक डिसेंट सी बड़ी सोबर सी और प्यारी सी लुक आती है और ये वैसे टर्किश स्टाइल के हिजाब हैं लेकिन लड़कियों ने काफ़ी अच्छे तरीके से इनको कैरी किया हुआ होता है उसके अलावा अगर आप कोई इवेंट है ना इवे, इवेंट के पे भी ना उसको कैरी कर सकते हैं डिफरेंट प्यार प्यारे प्यारे हिजाब के डिज़ाइनस को देखते हुए तो इस तरह से आप ये वाले जो हिजाब है ना इनको कैरी कर सकते हैं तो ये हैं मेरे सारे प्यारे प्यारे से हिजाब अब आपने एक काम करना है कमेंट करके मुझे बताना है आपको इन सब में से सबसे प्यारा कलर कौन सा लगा है और क्या आप ऐसी कोई रूटीन को या माइंडसेट को फॉलो करते हैं कि आज ये वाला कलर लेना है और कल ये वाला कलर लेना है या फिर ऐसे रैंडमली ऐसे रूटीन फॉलो करने का एक फ़ायदा होता है कि बार बार आपको सेम डेज आप सेम कलर नहीं लेते रिपीट करते रहते हो तो उम्मीद करती हूँ जी आपको वीडियो पसंद आई होगी पसंद आई हो तो लाइक करें सब्सक्राइब करें शेयर करें और कमेंट करें मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक के लिए जादू दीजिए बाय